हाँ बिल्कुल मैं हूँ, और जमहूरियत है सबको लड़ने का हक है, मैं भी अपनी तकदीर आजमाऊंगा। देखिए दौरा मेरा यहाँ काफी टाइम गया है, ये तो अभी मुझे वहाँ जुम्मा 8 दिन हुआ है उस बाड़े में जाके, मैंने यहाँ 10-15 साल यहाँ निकाला है, तो पहले अपने घर से मैं तैयारी करूंगा, पहले अपना घर मजबूत होगा तब आगे बढ़ूंगा। देखिए ऐसा है, पार्टी का मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, टाइम आने पे आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा मैं कौन सी पार्टी का उम्मीदवार हूँ। आजाद भाई, आज अहमद भाई ने यहाँ पे विजिट किया, वार्ड में घूमे, आपके क्या लग रहा है, किस तरह से जो है लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? भाई अहमद भाई जो है पुराने हैं, हम लोग के एरिया के ही है, और अहमद भाई घर के ही है किराता समझो हमारे, तो अहमद भाई अगर आ गए हैं तो सिर्फ यही नहीं, और भी जो आजू बाजू के एरिया पूरा शांति नगर आम पाड़ा गया खंडू पाड़ा जितने भी मतलब एरिया है सब अहमद भाई के इंशाल्लाह पूरे फुल सपोर्ट में रहेंगे हम लोग, और जिस पार्टी से भी आएंगे हम उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का ऐसा कहना है कि वो रईस शेख जो है वो मजबूत पोजीशन में खिला, रईस शेख जो समाजवादी को पोजीशन बता रहे हैं, पहले तो उनकी पार्टी खुद पोजीशन में नहीं है, उन्हें कंफर्म नहीं है कि फरहान लड़ेगा या रईस शेख लड़ेंगे या और तीसरा कोई पर्सन आके खड़ा हो जाएगा, अभी उनका खुद का फाइनल नहीं कि किस पार्टी से लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं अभी, और उनका खुद कंफर्म नहीं है। चलिए आपको किस तरह से मदद? भाई देखो पहली बात तो अहमद भाई हमारे भाई है, और पार्टी अपने जगह है, जहाँ हमारा भाई लड़ेगा अपने भाई साथ हम तन मन धन हर एक चीज से तैयार रहेंगे, और इंशाल्लाह जहाँ भी कोशिश होगी हम उनके लिए दौरे पे साथ में नहीं जा पाएंगे लेकिन अकेला हम दौरा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाहरी लोग को जिता के देखे, बाहरी लोग जीतने के बाद यहाँ कोई दोबारा आता नहीं है, वो खाली आते हैं वोट मांगने है, उसके बाद 5 साल वो अपना उल्लू सीट करते हैं, तो बाहरी न होते हुए हमने ये सोचा है कि हमारे भाई जीतेंगे, अब भी हम लोग सपोर्ट करके जितवाएंगे, अब कुछ भी काम रहेगा आधी रात के भी घर पे जा सकते हो, वहाँ पे कोई चमचे गिर रहे हो किसी जरूरत नहीं वहाँ चोट लगाने की, आप बिंदास जाओ अहमद भाई से डायरेक्ट मुलाकात करो, आम पाड़े में मुलाकात करके अपना जो काम है जाके सामने खुद बताओ। रईस शेख के बारे में क्या बोलेंगे, क्या 5 साल में विकास हुआ? रईस शेख को हमारे पहाड़ी पे 5.5 हजार वोट पाए हैं, और 5.5 हजार वोट पाने के बाद उन्होंने कभी 5 दिन वहाँ झांकने नहीं आए, पब्लिक का क्या हाल है, लॉकडाउन में भी नहीं आए, ऐसे भी कभी नहीं आते, और उनके ऑफिस में हम लोग एक बार एक काम लेके गए थे मस्जिद का, उन्होंने काम भी नहीं करके दिए, क्योंकि मस्जिद का पानी जो है मस्जिद में आ रहा था गड्ढे का पानी, वहाँ बोलने गए तो बोले होएगा तक हुआ नहीं, इसलिए हम लोग अपनी रईस शेख को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग तैयार रहेंगे अहमद भाई के सपोर्ट में। आज अहमद सिद्दीकी साहब जो हमारे इधर पे आए हैं, सबसे पहले वो हमारे घर के लोग और हमारे बीच के लोग हैं, हमको जब भी जरूरत पड़ती है हम अहमद सेठ के पास जाते हैं, वो हमारा हर काम करके भी देते हैं, हमारी बात को भी सुनते हैं, और हर किसी की बात को ध्यान से सुन के उस पर काम भी करते हैं, तो हम लोगों ने बाहर वाले को बाहर वाले को दोनों को देखा, अब की बार हम लोग ने अपने घर वाले को देखना है, ये भिवंडी शहर एक हमारा घर है, अब भिवंडी शहर एक विकास की ज़रूरत है जो इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे अहमद सिद्दीकी साहब वो कर सकते हैं, तो हम लोगों ने आपके अहमद सिद्दीकी साहब का साथ देना है, वो चाहे किसी भी पार्टी से आए। रईस शेख का तो रिटर्न ऑफ मुंबई है इंशाल्लाह। देखो ऐसा है कि अहमद भाई को कोई नाम की जरूरत नहीं है, सभी लोग नाम से जानते हैं, उनके काम से जानते हैं, हम लोगों ने रईस शेख का उस तरीके से काम किया था कि वो रईस शेख एमएलए साहब खुद जानते हैं कि हम लोगों ने क्या काम करके दिया, और 5 साल में मैंने आमदार के लिए कभी कोई ज़रूरत के लिए गया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है उस आमदार से वो काम होगा नहीं, मैंने 2 चीज़ आमदार से मांगी थी, अपने मोहल्ले में एक फैज़ियाम स्कूल करके है, मदरसे को मैंने बोला था वो बना कर देने के लिए, जब आदमी लड़ने के लिए जब इलेक्शन आता है ना तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन फिर जब जीत जाता है तो फिर उसके वादे सब पूरे निकल जाते हैं, अब लोगों को दिख रहा है कि लोग सोशल मीडिया पे रईस शेख चला रहे हैं, मैं बोलता हूँ मुझे भी बताओ ना रईस शेख का काम कहाँ पर है,